नमस्ते सभी को। तीन दिवसीय कार्यशाला जिसमें मुख्यतः इस बात पर बात हुई है कि पूरे अस्तित्व में सअस्तित्व है, एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, और इस को एग्जिस्टेंस को ही हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश की है। तो पूरे तीन दिन है ना हमारे साथ जो टीम थी और आप सबके सहयोग से इस पूरे कंटेंट को एक प्रपोजल के फॉर्म में रखा गया है। अभी वेरीफाई करने का प्रोसेस हम सब में चल रहा है और आप में भी अब शुरू होगा, ऐसी आशा करते हैं। तो अब इस सेशन में हम लोग आप लोग से सुनना चाहेंगे इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो आप लोग शेयर करेंगे अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बहुत ही ब्रीफ, देन आपके पर्सनल अचीवमेंट्स क्या रहे इस वर्कशॉप्स के। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि थ्री की प्रपोजल्स, ऐसे प्रपोजल्स जो इन तीन दिन में आपको बहुत अच्छे लगे हों, आपको लगता है मेरा इस पर ध्यान गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि पहले मुझे लगता था मैं केवल बॉडी हूँ, लेकिन इस वर्कशॉप के प्रपोजल्स के थ्रू मेरा इस पर ध्यान गया कि मैं सेल्फ और बॉडी हूँ, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, बॉडी भी एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से आपके क्या टेक अवेज रहे इस कॉन्टेंट से, जो कॉन्टेंट डिलीवर किया गया है वो कंटेंट से आप क्या टेक अवे लिख पा रहे हैं, उसको आपको शेयर करना है यहाँ पर। और अगर आपके साथ कोई कंटेंट को लेकर आपका कोई एक्सप्लोरेशन हुआ है, जैसे मान लीजिए रिलेशनशिप को आप एक्सप्लोर कर रहे थे, घर पर आपने कोई बात की है ना, और आपको लगता है कि जब मैं बात कर रहा था तो सामने वाले ने कुछ नोटिस किया जिसको प्रपोजल को वेरीफाई करने में मुझे क्लियरिटी हुई है, अगर आप उसको भी शेयर करना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। देन आपके थॉट्स पहले क्या चल रहे थे और अब क्या है कुछ टॉपिक्स को लेकर, है ना। तो जैसे रिलेशनशिप को लेकर पहले आपके थॉट्स क्या थे, अब क्या थॉट्स हैं। फिजिकल फैसिलिटी को लेकर पहले थॉट्स क्या थे, अब थॉट्स क्या है। तो इस तरह से कुछ प्रपोजल्स पर आप अपने थॉट्स रख सकते हैं। देन आप इस कंटेंट और प्रोसेस में क्या पॉसिबिलिटी देख रहे हैं अपने पर्सनल लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन के, फैमिली लेवल पर, सोसाइटी, इंस्टीट्यूट, पूरे एग्जिस्टेंस लेवल तक। देन अगर आपका कोई पर्सनल कमिटमेंट है तो वो भी आप शेयर करें, आपने तीन दिन लगाया है और होपफुली आप सबकी सहमति बनी है कि कंटेंट अच्छा है और ये एजुकेशन में जाना ही चाहिए। और फॉर्चुनेटली हम सब किसी ना किसी अच्छे पद पर हैं इस समय, तो आप अपने लेवल तक जो भी कर सकते हैं उसमें आपके पर्सनल कमिटमेंट क्या रहेंगे ये भी हम लोग सुनना चाहेंगे। तो इन पॉइंट्स के साथ आप लोग की हम सुनेंगे। तो सुनने से एक बेनिफिट ये होता है कि जब आपकी प्रपोजल्स के टेक अवे रखेंगे हमारे सामने, तो जब कोई एक व्यक्ति शेयर करता है तो कभी कभी हमारा ध्यान चला जाता है कि इस एंगल से तो मैंने देखा ही नहीं था। तो हम सबकी शेयरिंग एक दूसरे के ग्रोथ में हेल्प करेगी। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि हम भी एसेस कर पाएंगे कि जो प्रपोजल हम पहुँचाना चाहते थे वो कितने लेवल तक आप तक पहुँच गया है। तो दोनों का ग्रोथ होगा, हमारा भी ग्रोथ होगा और आपका भी ग्रोथ होगा, है ना। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा निखिल कांत जी को। अच्छा पास में हो सकता, हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के वर्कशॉप में हम सभी पहले से भी जाते रहे हैं, आगे भी जाते रहेंगे। सर अपना नाम भी बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर निखिल कांत, डिप्टी डायरेक्टर ई गवर्नेंस सेल में हूँ यहाँ पे। इस तरह के कार्यक्रम में हमेशा हम जाते रहे हैं, शरीक होते रहे हैं। किस हद तक हम उन कार्यक्रमों में इस हद तक जुड़ पाते हैं जैसा इस कार्यक्रम में हम जुड़े रहे, अपने ऑफिस की लगातार व्यस्तताओं के बावजूद हर समय हम अपने लोगों के बीच में इतना समय इतने दिनों तक साथ साथ इनफॉर्मली या फॉर्मली ऑफिस में, ऑफिस के इस बिल्डिंग में रहते हुए इतना इनफॉर्मल होकर एक साथ बिताना, मुझे कुछ दिन पहले भी इस तरह का अवसर प्राप्त हुआ था अपने साथियों के बीच, जब डिजाइन द थिंकिंग एक कार्यक्रम के तहत बहुत सारे ऑफिसर्स को चेन्नई जाने का मौका मिला था और दो दिन का वो कार्यक्रम था। उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था, लेकिन वो भी चूंकि रेसिडेंशियल प्रोग्राम था तो 24 घंटे तक हम साथ होते थे, वहाँ भी एक एक क्षण हम जी रहे थे। यहाँ वो दोबारा जब मौका मिला और अपने ऑफिस के अन्य कार्यक्रमों में भी हम भाग लेते रहे, उतनी छूट हमें मिलती रही यहाँ से भी और कार्यालय से भी, वैसे व्यस्तताओं के बीच जितना कुछ हमने यहाँ पे जिया, निश्चित रूप से ये तीन दिनों में
अगर हम ये सोचे कि थियोरेटिकली बहुत कुछ मिल गया और उसको हमने इमर्स कर लिया, ऐसा नहीं हुआ है। इसका असर आज के बाद दिखना शुरू होगा, जब कल से फिर हम 10 बजे यहाँ नहीं बैठ रहे होंगे। अगले दिन जब हम 10 बजे बैठने आ रहे होते थे और फिर शाम को जब जा रहे थे, तो उसका कुछ इम्पैक्ट उस कार्यक्रम में भाग लेने के कारण जो इम्पैक्ट होता है वो रह रहा था। आज के बाद असल असर दिखाई देना शुरू होगा। मेरे अंदर इन 3 दिनों में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ हो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका असर, ये इवैल्यूएशन करने का भी अभी सही समय नहीं है। बीच में मुझे बार बार मौका मिलता रहा अपने व्यूज शेयर करने के लिए, तो मैंने बताया भी और वही मैं रिपीट कर रहा हूँ अभी कि छोटी छोटी चीज़ों का अंतर इस कार्यक्रम में जानने का मौका मिला। बहुत सारी चीज़ें जो सिमिलर होती है सेम समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो विरोधात्मक होती है और उसको सिमिलर समझ लेते हैं, वैसे शब्दों के बीच में अंतर जानने का मौका मिला। उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, उससे क्रिएटेड कन्फ्यूजन का असर क्या हो सकता है, ये सब कुछ भी जानने का मौका मिला। साथ ही जो पीयर लर्निंग का मौका मिला यहाँ पे, मैं अभी दिन में झा साहब से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि आप जब पीछे से बोल रहे होते हैं उसे पता नहीं होता है, चेहरा नहीं दिख रहा होता है, लेकिन उस समय मैं आपसे इस वर्कशॉप के अलावा भी बहुत कुछ जानने की कोशिश कर या सीखने की कोशिश कर रहा था हूँ। खासकर आप किस तरह से बोलते हैं उसका असर, कुमार कमल साहब जब बोल रहे होते हैं, मतलब सुन रहे होते हैं, सर जब बोल रहे होते हैं या सर जब सुन रहे होते हैं, एक समय इतने लोग, इतने जिनके अलग अलग तरह से प्री कंडीशनिंग हुए हैं, वो सब ऑडियंस में हैं, उनके अलग अलग सोच का स्तर है, और उन चीज़ों को अच्छे से सुन के कुमार संभव साहब जब अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं, मुझे लगता है फिर वो हम लोग जहाँ भी डाइग्रेस हो रहे होते हैं फिर वापस उसी तरह से उनका फोकस एक ही जगह पर होता है और वो स्लाइड में लिखा होता है, फिर वो वापस उसी जगह पर लाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है जो वर्कशॉप के बाई प्रोडक्ट्स भी हैं। इसके अलावे इस वर्कशॉप के की टेक अवे जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ी एक चीज़ जो मेरे अपने पर्सनल लेवल पे उपलब्धि रही जानने की, वो ये कि जितने भी एक्सप्लोरेशन की बात की गई इस वर्कशॉप में, उसमें ये बताया गया कि हमें, मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे मुझे खुद एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन करने की ज़रूरत है, और जब हम ये कर रहे होते हैं तो इंटेंसर और कॉम्पिटेंस के बारे में जो चीज़ें बताई गई उसमें, ये हम जो दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो ऐसा, मतलब उसके अपने इंटेंशन तो हम अच्छे मानते हैं, दूसरे के इंटेंशन को कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंस की कमी नहीं समझते हुए उसका इंटेंशन समझ लेते हैं। जब यहाँ पे एक साथ उन सारे विषयों पे, उन सारे पॉइंट्स पे मेरे बगल में बैठे हुए मेरे साथी भी जब ये सोच रहे थे, मैं जब सोच रहा था कि मैं सही हूँ, सामने वाला भी सही हो सकता है, मेरे बगल में बैठा हुआ इंसान भी यही सोच रहा था, पार्टिसिपेंट भी यही सोच रहा था कि मैं सही हूँ, सामने वाला सही हो सकता है, ऐसा एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन इतने लोगों के साथ एक जगह पे होने पे कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये चीज़ किया जा सकता है। जब हम अकेले में इस तरह के एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन करते हैं तो शायद कहीं डाउट होता हो, लेकिन 30-25 लोगों के साथ जब बैठ के हर इंसान ऐसा ही सोच रहा है कि मैं अच्छा हूँ और सामने वाला मेरे बारे में अच्छा सोच सकता है, मेरी खुशी के बारे में सोच सकता है, और बगल वाला भी ऐसा ही सोच रहा है, तो निश्चित रूप से ये जो सर ने नोट ऑफ इंट्रोगेशन की जगह टिक मार्क किया, वो टिक मार्क लगाने के लिए वर्कशॉप बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा और मुझे लगता है कि मैं बात आपका कमिटमेंट कुछ मेरा कमिटमेंट ये है कि अपने लेवल पे मैं और ज़्यादा प्रपोजल्स लाऊंगा अपने लिए और ऐसे कोई भी मौके छोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा जिसमें प्रपोजल्स मुझे मेरे लिए जनरेट हो सकती है, उसके एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन की कोशिश करूंगा और उसको उसके वैलिडेशन होने के बाद उसको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। एट द सेम टाइम मैं दूसरे, ये कॉम्प्लीमेंटरिटी की जो बात हुई उस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है, मुझे दूसरे के कॉम्पिटेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, और ये जितनी भी चीज़ें मिसिंग होगी मैं अभी इस वर्कशॉप से ये टेकअवे लेके और कमिटमेंट लेके जा रहा हूँ कि इस पर मुझे ध्यान देना है, और ये इतना भी अगर मैं कर पाया तो मुझे लगता है कि इस 3 दिन के वर्कशॉप के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो पूरे प्रोसेस में अगर देखें तो सर का ध्यान ट्रस्ट के भाव पर गया है और ट्रस्ट में सर इंटेंशन को वेरीफाई कर पा रहे हैं अपनी भी और दूसरे की, कि सभी लोग वही चाह रहे हैं जो मैं चाह रहा हूँ। फिर सर का जो पर्सनल कमिटमेंट रहा है कि अभी मैं इन प्रपोजल को अपने लिए और वेरीफाई करूँगा, जो कि करना भी चाहिए, तो बहुत बढ़िया। सर मैं चाहूँगा हम लोग बहुत की पॉइंट्स में ना स्टिक होकर बात करें जिससे सबको अवसर मिल पाए, सब लोग अपनी बात कह पाए। तो एक बार ये स्लाइड्स को भी देख लेते हैं, हमारे टेक अवेज क्या है हम इस पर बात रखें।
हमारे थॉट्स क्या है हम इस पर बात रखें, बिफोर एंड आफ्टर, हमारा इस कंटेंट में आपको क्या पोटेंशियल दिख रहा है। कंटेंट का पोटेंशियल का मतलब है क्या आपको लगता है एजुकेशन सिस्टम अगर ये कंटेंट जाएगा तो इसमें पोटेंशियल है कि लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर सके। क्या आपको ऐसा लगता है इस कंटेंट को अगर हम समझते हैं और जीते हैं तो एक सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा सकते हैं, क्या ये इस तरह का पोटेंशियल आपको इस कंटेंट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर उस चीज़ को अचीव करने के लिए आप क्या कमिट कर पा रहे हैं अभी जिस भी पावर में आपके साथ आप हैं, जिस भी स्थिति के साथ हैं, तो आप क्या सहयोग उसमें कर सकते हैं, उसका एक कमिटमेंट भी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं शिवानी जी से रिक्वेस्ट करूँगा। शिवानी जैन जी, सभी को सबसे पहले नमस्कार। मेरा नाम शिवानी जैन है, मैं ई गवर्नेंस में सीनियर डेटा एनालिस्ट की पोजीशन पे काम कर रही हूँ और मेरे पर्सनल अचीवमेंट्स और टेक अवे फ्रॉम दिस है कि हमें सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है। और दूसरा जो मुझे समझ में आया कि जो हम अभी अब एजुकेशन से समझ रहे थे अभी तक लाइक 30 या 25 साल में कि स्किल पे फोकस्ड है, वो स्किल से ज़्यादा हमें नॉलेज पे फोकस करना चाहिए कि स्किल हम समझ सकते हैं और एक्वायर कर सकते हैं, बट जो नॉलेज है वो स्टार्टिंग से हमें एक बेसिक एजुकेशन से मिलनी चाहिए, जो मुझे ये समझ में आया है इसके बाद। और अपनी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि सबसे पहले मैं उसको वेरीफाई करूँ, मतलब जो मेरे लेवल पे जो चीज़ें कर सकते हैं, और फिर फैमिली में और ऑर्गेनाइजेशन में एज ए टीम हम बेटर काम कर पाएँ। और ऑर्गेनाइजेशन वाइज हम लोग अभी ऑलरेडी AICT में हैं, तो जो भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हमसे बात कर सकते हैं, अगर वहाँ पे हम कुछ पॉलिसी, जैसे सर बोल रहे थे कि इंस्टीट्यूट लेवल पे हम जाएंगे, तो वहाँ जो हमारा कंट्रीब्यूशन हो पाएगा वो हम ज़रूर करेंगे। तो यही मेन पॉइंट्स हैं। और स्किल और नॉलेज को डिफ्रेंशिएट मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया कि हर चीज़ को एक्वायर करना मतलब वो एक स्किल है, बट उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहले सेल्फ पे काम करना है और दूसरे से भी ट्रस्ट मेंटेन करके रखना है, हमेशा ये नहीं सोचना कि मैं तो सही हूँ लेकिन दूसरा को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कल मेरा एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे लगता था कि मेरा ही बेटा सबसे ख़राब है, वही नहीं पढ़ता है, बट मैम से सुन के पता चला कि नहीं वो तो पूरी रात ही नहीं टीवी देखते हैं। मुझे लगा, फिर कल रात को मैंने कहा कि उसे कि इतना भी बुरा नहीं है, तो कह रहा अच्छा आपको ही पता चल गया है, तो कल उसने अच्छे से पढ़ाई भी की उसके बाद। तो दिस इज माय लर्निंग फ्रॉम दिस एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द AICT, थैंक यू। ठीक है, तो शिवानी मैम का ध्यान अपने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन लिंक्ड है, इस पर मैम का ध्यान गया है ना। और मैम इस बात के लिए भी कमिट कर रही हैं कि इन सारे प्रपोजल्स को सिर्फ सुना ही नहीं है, उसको वेरीफाई भी करेंगे, और जैसे जैसे वेरीफाई करेंगे तो डेफिनेटली है ना मैम का विजडम भी और बड़ा होगा, भागीदारी भी बढ़ेगी, है ना। ठीक है, मैं कुछ कीवर्ड्स रिपीट कर देता हूँ जिससे हम लोग को ध्यान आ जाए हमने क्या क्या पढ़ा था, तो टेक अवे बोलने में हमको और आसानी होगी। तो कुछ कीवर्ड्स है हारमोनी, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ह्यूमन बींग, फैमिली में 9 फीलिंग्स हमने पढ़ी, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन से लेकर लव तक। देन नेचर में 4 ऑर्डर्स पढ़े, उनकी कॉम्प्लीमेंटरिटी पढ़ी। एग्जिस्टेंस में स्पेस, यूनिट्स पढ़ा। जस्ट रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको ध्यान आ जाए, है ना, कि इनमें से कोई भी टेक अवे आप ले पाए तो शब्द आपको ध्यान आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूँगा राहुल जी से, राहुल वोरा जी से। जी, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक करना चाहूँगा आदित्य जी का और सर का, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम ये ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर वर्कशॉप अटेंड कर पाए। और बेसिकली जो अभी तक हमने यहाँ पे सीखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन कर देनी भूल गया। माय नेम इज़ राहुल वोरा एंड आई एम वर्किंग हेयर एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इन स्टूडेंट डेवलपमेंट सेल। सो मैंने जो अभी तक सीखा है कि दूसरों को प्रसन्न करने की बजाय हम अपनी हैप्पीनेस को ध्यान में रखते हुए काम करें तो उसमें ज़्यादा हमें खुशी मिलेगी। और इससे पहले मैंने हमें साइकोलॉजी भी करी है, तो जब मैं साइकोलॉजी कर रहा था तो हमें यही चीज़ बताई गई थी कि हमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट गोल जो है बच्चे का वो फाइंड आउट करना। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था इस पर तो हमें भी यही सिखाया गया था कि बच्चे को एंग्जाइटी है, क्यों है, किस वजह से है,
लेकिन वो कंसेप्ट 3 दिनों में मेरे को क्लियर हुई, क्योंकि उनको वैल्यूज का नहीं पता है। हम ये चीज तो कहते हैं कि बच्चों को अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, लेकिन क्यों नहीं पता है उसका रीजन है कि जैसे सर ने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी कि बच्चों को शुरू से बताया जा रहा है कि हमें IIT जाना, IIT जाना, IIT, उनको ये नहीं बताया गया कि उन्हें माँ बाप की सेवा भी करनी है। सो पहले हम उनकी वैल्यूज को क्लियर करें, उसके बाद हम उसकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उस पर कंसंट्रेट करें। और दूसरी बात जो सर ने एक बहुत अच्छी कल एक वाइस चांसलर सर की एग्जाम्पल लेके करी, और शायद कुछ लोगों की सोच होगी जहाँ मैक्सिमम लोगों की सोच होगी कि वो कंजूस है या वो सेविंग्स कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे पास आई थिंक एक मूवी भी आई थी इस पर आमदनी ठंडी खर्चा रुपया, तो अगर हम उसको ध्यान में रखते हुए अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें इंप्लीमेंट करें तो जितनी हमें ज़रूरत है हम उसके अकॉर्डिंगली अपना एक्सपेंडिचर रखें तो लाइफ बहुत अच्छी हमारी गुजर सकती है। अगर हम 1 लाख भी कमा लें, 2 लाख भी कमा लें तो डिज़ायर सभी नहीं पूरी होंगी, तो जो वो भी हैं जो 10,000 में भी अपना जो निर्वाह कर रहे हैं, 20,000 में भी कर रहे हैं और 5,000 में भी कर रहे हैं। तो हमें इसी पे फोकस रहना चाहिए कि आगे भी बच्चों को यही गाइड करना चाहिए कि हमें अपना जो लाइफस्टाइल है वो किस तरह का रखना है और किस तरह का बनना है। फर्स्ट जो प्रायोरिटी है हमारी वैल्यूज़ होनी चाहिए, देन स्किल्स होनी चाहिए, और ये चीज़ एजुकेशन में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो जैसा मैं समझ पाया हूँ कि सेल्फ सर का ध्यान इस पर गया है कि अपनी हारमोनी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके लिए प्रोसेस ऑफ जो एक्सप्लोरेशन है उसका सर पर ध्यान गया है। दूसरा सर का प्रॉस्पेरिटी पर ध्यान गया है कि अगर हम अपनी नीड्स को समझ पाते हैं तो आवश्यकता से अधिक का भाव रखकर हम प्रॉस्परस फील कर सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी के साथ ही हम दूसरों के साथ कुछ प्रोग्राम बना सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट सर का ध्यान गया है कि वैल्यूज़ और स्किल्स दोनों कॉम्प्लीमेंट है, तो हमें बच्चों में वैल्यूज़ को वो जान पाए इसके लिए उनमें एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना और उसमें हेल्प करना ये एक प्रायोरिटी का काम है, ऐसा सर में इम्प्रेशन गया है ना। थैंक यू सर। नेक्स्ट मैन सिमी जी से रिक्वेस्ट करूँगा, सिमी महाजन जी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम सिमी महाजन, मैं टेक्निकल असिस्टेंट SDC में हूँ। थैंक यू सर फॉर दिस वर्कशॉप, आपने बहुत अच्छे से इन 3 दिनों में हमें समझाया और सर मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहली चीज़ सीखी है सर हारमोनी, हारमोनी इन द इन सबसे पहले खुद में, उसके बाद दूसरों में भी और सोसाइटी में भी। तो हारमोनी मुझे ये बहुत अच्छा लगा इसमें कि इसके ऊपर जो कुछ भी आपने बताया है सर वो सच में दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसको मैं थोड़ा सा और आप बताएं, मतलब क्या आपको रिसीव हुआ? मतलब मुझे तो हारमोनी वर्ड ही बहुत अच्छा लगा तो क्योंकि मुझे लगता है मुझे खुश रहना हर किसी को ही अच्छा लगता है सर, मुझे भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, तो मेरा मन करता है कि मैं भी खुश रहूं और दूसरे भी खुश रहे, तो उसको लेकिन वो चीज़ हमेशा नहीं होती है ना सर, जैसे आपने बताया था कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि दूसरे आपसे खुश हों, लेकिन फिर भी सर जो आपने सिखाया है उससे यही है, मतलब एक तरह का स्वचिंतन कि कैसे ऐसी स्थिति ही ना आए कि हम भी ठीक रहें और दूसरे भी ठीक रहें सर। दूसरा हेल्थ सर, हेल्थ सर मैंने सुबह भी बताया था जैसे कि हेल्थ जो है वो भी आपने बताया कि उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितना चीज़ों का खाना भी खाना है तो हमें कितना चाहिए सर, नॉट फॉर टेस्ट, पोषण के लिए खाते हैं हम जैसे, तो हमें देखना है, तो उससे भी हमें एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सर, वो भी दिखता नहीं है बट वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और कोई कमिटमेंट आपका पर्सनल प्रोफेशनल? सर जैसे कि आपने बताया कि ज़्यादातर जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं वो एजम्पशंस पर होती हैं, तो इस चीज़ को भी हमें समझना है, मतलब मुझे देखना है कि वो चीज़ मतलब टू नो बेटर, उसको अच्छे से जानना फिर उसके ऊपर निर्णय लेना सर। थैंक यू सो मच। कोई कमिटमेंट मैम करना चाहेंगे? कमिटमेंट तो सर यही है सर, हारमोनी को और अच्छे से कैसे कर सकते हैं और कैसे और इन सब चीज़ों को सर एक तरह से स्वचिंतन करके कैसे और अच्छा कर सकते हैं, सेल्फ पे कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन पर मैम का काफ़ी ध्यान गया है। हाँ जी सर।
एंड सेल्फ एंड बॉडी के को एग्जिस्टेंस का। थैंक यू सर। अमित सिंह जी, नमस्ते सर। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन ही देता हूँ। मेरा नाम अमित सिंह है, मैं इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट सेल में सहायक निदेशक हूँ। और सबसे पहले जब हम पर्सनल अचीवमेंट की बात करें तो मैं दो चीज़ें सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि मैं थोड़ा बहुत, मुझे टाइम मिल जा रहा था क्योंकि अभी मुझे थोड़ा टाइम था, तो एक साल से करीब मैं भारतीय दर्शन और उस पर योगा वगैरह पे थोड़ा सा किताबें वगैरह पढ़ता था और थोड़ा नॉलेज इन्हांस किया था। तो बेसिकली मैं दो चीज़ों पे काम कर रहा था, मन और शरीर के वो पे। तो अध्यात्म जैसे हैं, मेथड ऑफ मेडिटेशन मैंने पढ़ा था विवेकानंद जी का, और वो मेरे लाइफ में बहुत चेंजिंग साबित हुए थे। मैंने उसे फॉलो किया था और धीरे धीरे मैं उस ओर जा रहा था, तभी ये मुझे ये वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला। तो सबसे पहले मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मैं सिर्फ सोचता था तो शरीर और मन के बारे में सोचता था, लेकिन सबसे पहले जब इस वर्कशॉप से ये बातें क्लियर हुई कि जब हारमोनी, सबसे पहले जब हारमोनी का ही कॉन्सेप्ट लिए तो एक सेल से लेकर के पूरे यूनिवर्स तक का आप लोग इतना बढ़िया से एक्सप्लेनेशन दिए, तो मुझे ये हारमोनी वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रभावित किया। और मैं ये समझा कि ये अगर देखा जाए तो इस ब्रह्मांड को, उस पूरे सृष्टि को अगर देखा जाए तो एक हारमोनी में नेचर ने बनाया, और उससे उसी को हम लोग फॉलो कर लें जो लॉ ऑफ नेचर है, तो सारे फसाद, सारे झगड़े और सारे परेशानियां और इस फिजिकल वर्ल्ड और सारी परेशानियों का मतलब सॉल्यूशन इससे आ सकता है। दूसरा डिफरेंसेस, इसका मैं शिकार भी था, शिकार हुआ हूँ, क्योंकि मैं बिहार के एक यूनिवर्सिटी में काम करता था जहाँ की ये इसकी जड़ें बहुत हार्ड हैं। कुछ मतलब सोशल ग्रुप्स लोग मिलके इस तरह से इस यूनिवर्सिटी को बनाए हुए थे, मैं दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता था और मुझे उसका शिकार होना पड़ा है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान होके यहाँ आया था। तो उसके बाद क्योंकि ये मेरे माइंड में ये जमी हुई थी जड़ें, तो मैं डिस्कस भी किया सर से कि एक्सीडेंट दो तरह से होते, या तो मैं करूँ या अगला करे, तो अगर अगला कर देता है तो मैं क्या करूँ, तब भी तो मेरा तो लॉस होगा ही, लेकिन ये चीज़ें कॉन्सेप्ट में है कि जो अगला कर रहा है करने दीजिए। बेसिक ये है कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हम सोचेंगे उस तरह से बिहेव रखेंगे तो उसका भी बिहेव चेंज होगा। आई थिंक कि पहले मैं थोड़ा सा रिएक्टिव था, अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो मैं भी प्रयास तो करता था कि उसके साथ भी करूं, लेकिन इस वर्कशॉप से मुझे ये चेंजेस आए कि नहीं, जो भी लॉ ऑफ नेचर है, जो डिफरेंसेज है, जो वैल्यू सिस्टम है, उस पर मुझे काम करने हैं। फिर रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मैं समझ पाया कि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग क्या ह्यूमन की वैल्यूज है, रिलेशनशिप क्या रोल प्ले कर सकते हैं, और इसमें अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही वैल्यू सिस्टम डेफिनेटली पेरेंट्स देते हैं, टीचर्स देते हैं, स्कूल से सीखते हैं, लेकिन ये एनालाइज नहीं हो पाता है। मतलब अगर करिकुलम के रूप में दिया जाए या इस तरह से वर्कशॉप से दिया जाए तो डेफिनेटली ये असर करेंगे। दूसरी बात कमिटमेंट की बात है, तो सबसे पहले तो मैं इसे फैमिली लेवल पे इम्प्लीमेंट करूँगा, उसके बाद पहले तो इंडिविजुअल लेवल पे मैं चाहूँगा कि मेरा एक एक सेल उसको फॉलो करे, उसके बाद फैमिली लेवल पर जाए, फिर सोसाइटी और डेफिनेटली नेशन, जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करने का प्रयास करूँगा। और यूएसबी का मैं जितना मतलब एडवांस नॉलेज भी ले सकूँ तो लेने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद सर। बढ़िया। तो सर केवल हारमोनी को ही नहीं बल्कि पूरे एग्जिस्टेंस में जो हारमोनी है सर का, उसका बहुत अच्छे से ध्यान गया है। और दूसरा सर इस पूरे कंटेंट को जो भी प्रेवलेंट प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन के रूप में भी देख पा रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा सर की ग्रेस्पिंग हुई है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तनुजा जी, ऐसे हम लोग इन पॉइंट्स को भी पढ़ते चलें एक बार पीपीटी के, है ना, टेक अवेज को हम लोग और क्लियरली रखें तो और अच्छा रहेगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम तनुजा अरागी है, PGRC सेल से। तो मैंने इसमें ये सीखा कि सब समझ, एक अच्छी समझ होना, अंडरस्टैंडिंग हर किसी के प्रति, चाहे नेचर के प्रति हो, एक व्यक्ति के प्रति हो, एनिमल्स के प्रति हो, सभी के प्रति एक अच्छी समझ होना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी समझ है तो इंसान अपने आप अच्छा बन जाएगा, उसके संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। और दूसरा मैंने समझा
कि जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, मतलब जितना हमें ज़रूरत है उतना ही लेना चाहिए। जैसे कि सर ने बताया कि आप अपने घर में जाके कपड़े सब देखना कि कितने काउंट करना, तो ये चीज़ मैंने बहुत ध्यान दी कि अब मैं सोचूंगी कि जो फालतू की चीज़ें हम खरीदते हैं ना खरीदें, उतनी ही खरीदें जितनी हमें ज़रूरत हो, ताकि जिन जिन लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पा रही उन लोगों को वो मिल पाए। और रिलेशनशिप की बात कहूँगी तो ये मेरे मतलब पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है कि सभी से रिलेशन अच्छे बनाए रखो, और ऑफिस में भी अगर कोई मेरे को देखता हो तो मैं हर किसी से बात करती हूँ। सब मतलब जो मेरे से पीछे के हैं 15-20 साल से भी जो कर रहे हैं साथ वाले डीओज हैं, तो कहते हैं तेरे को सब जानते हैं और हमें कोई नहीं जानता इतना। तो मैंने कहा बस ये सब मेरे मतलब मैं सभी से बात करती हूँ और मुस्कुरा के बात करती हूँ हर किसी से, तो हर कोई यूँ कहता है कि इस लड़की को लग रहा है कभी दुख नहीं है, ये हमेशा स्माइल देख के बात करती है। और एक चीज वो रेस्पेक्ट और लव, ये दोनों चीज इसमें आई गई। और एक चीज मैं ये कहूँगी, जैसे एक सलमान खान की मूवी थी, उसने कहा था कि थैंक्स मत कहो, आगे 3 लोगों को बोलो। तो मैं भी ये कहूँगी जो हम कर रहे हैं अच्छे कर्म, जो भी कर रहे हैं हम हेल्प कर रहे हैं किसी की, तो उससे आप उन लोगों से भी बोलो कि हम हेल्प कर रहे हैं, आप भी थैंक्स ना बोल के हेल्प कीजिए। और मतलब अच्छी समझ विकसित करना लेडीज़ के लिए स्पेशली ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नए बच्चे हैं तो क्या माँ से सीखते हैं मोस्टली। अगर लेडीज अच्छी समझदार होगी तो उसके बच्चे अच्छे होंगे ऑब्वियसली। तो इसलिए लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो बच्चों को नई पीढ़ी को अच्छा समझाए, अच्छे संस्कार दें। और एक चीज़ और मैंने ये सीखी कि मतलब ट्री प्लांटेशन करना, मतलब मैंने अब ये ठाना है कि कोई भी ओकेजन होगा, चाहे मेरा बर्थडे या मेरे बच्चे का बर्थडे, हस्बैंड का, फैमिली में किसी का बर्थडे, तो एक पेड़ जरूर लगाऊंगी, पर वैसा नहीं लगाऊंगी कि उसी गड्ढे में बार बार लगाऊं। हाँ, और लास्ट में कहना चाहूंगी कि मैम से रिक्वेस्ट थी नीतू मैम से कि इस प्रोग्राम को ऑडिटोरियम में करवाना चाहिए था, ताकि और लोग भी इसे सुन सकते हैं। कोई कमिटमेंट मैम आपका? कमिटमेंट यही है कि हैप्पी रहो, रिस्पेक्ट करो सबकी, और लव सब कुछ से प्यार करो, बस धन्यवाद। ठीक है, तो मैम का मेजर ध्यान रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप का जो एक्सटेंशन है टू सोसाइटी एंड नेचर तक, उसको मैम ने काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया है। थैंक यू मैम। दिनेश सर। गुड इवनिंग टू ऑल। Myself, Dr. Dinesh, working as a director in Atal Academy. ये जो वर्कशॉप हुई यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर, तो मुझे जो समझ में आया कि ह्यूमन बींग सभी हैं, लेकिन एक अच्छा ह्यूमन बींग अपने लिए और दूसरों के लिए किस तरह से हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम जब वर्कशॉप कोई भी हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं या कोई भी होता है, तो हमारी होता है कि ये थ्योरेटिकल वर्कशॉप रहेगी, तो ऐसा ही हमने पहले कभी अटेंड नहीं किया था, लेकिन जो आपकी वर्कशॉप थी ये डे टू डे ओरिएंटेड थी, और जो जो हमारी प्रॉब्लम डे टू डे प्रॉब्लम थी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ये वर्कशॉप रही हमारी, जो भी हमारी प्रॉब्लम थी हमने आपके सामने रखी और उसको हमने कि जो भी आपके पॉइंट्स थे, हारमोनी थी, हैप्पीनेस था, जो भी आपके 9 पॉइंट्स थे फ्रॉम रिस्पेक्ट टू लव एंड एवरीथिंग, या इवेल्युएशन था या कॉम्पिटेंस लेवल था, कॉम्पिटेंसी थी, उसको जीवन की जो जो हमारी प्रॉब्लम थी उसके साथ हम कोरिलेट करके उसका हम सॉल्यूशन ढूंढ पाए। और दूसरी चीज की जीवन सभी निर्वाह करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन अच्छे ढंग से निर्वाह करना, एक हमारा एक गुड ह्यूमन बींग की इक्वालिटी होनी चाहिए। इसी वर्कशॉप से हमें ये सीखने को मिला कि हमें एक अच्छा ह्यूमन बींग बनना है, अपना जीवन भी अच्छा बनाना है, उसको अच्छे तरह से निर्वाह करना है, और दूसरों की भी हेल्प करनी है कि आप एक अच्छा जीवन निर्वाह कीजिए। वो कब होगा? जब हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अंडरस्टैंडिंग अच्छी कब होगी? जब हमारी अवधारणाएं हैं, जो हमारी इवैल्यूएशन है। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मैं यहां से जा रहा हूं और कोई हंस पड़ता है, या फिर जैसे सर ने कहा कि उसने हेलो कहा और उसने जवाब नहीं दिया, तो हमारी अवधारणाएं चेंज हो जाती हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है, हमारी परसेप्शन चेंज हो जाती है उसके प्रति। या जैसे इन्होंने कहा कि एक जगह से दूसरी जगह आए तो परसेप्शन चेंज होती रही,
तो वैसा नहीं होना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि सर्कम कॉन्शियस क्या थी। हम बिना कुछ सोचे समझे, यानी कि अंडरस्टैंडिंग समझे, हम अपने संबंध जो हैं, हमारे जो प्रगाढ़ होने चाहिए वो डिटोरेट होते चले जाते हैं, और हम अपनी जो भावनाएं हैं वो ना तो व्यक्त कर सकते हैं, न कर पाते हैं, ना ही उसकी भावनाएं समझ पाते हैं। तो इस वर्कशॉप से मुझे ये लगा, मुझे ये सीखने को मिला कि कैसी भी कंडीशंस हो अपनी भावनाएं व्यक्त कर देनी चाहिए और उसकी भावनाओं को भी समझना चाहिए, उससे हमारे संबंध और अच्छे होंगे, और उससे क्या होगा, हमारी हैप्पीनेस बढ़ेगी, हमारी हारमोनी बढ़ेगी। तो सभी ये सभी जो पॉइंट्स आपके कोरिलेटेड पॉइंट्स हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं तो कहूँगा कि मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं इस वर्कशॉप के प्रेस करने के लिए, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, और जब भी मौका मिलेगा मुझे, आई अश्योर यू कि मैं हमेशा अटेंड करूँगा इसको। आपका कमिटमेंट जैसे आपका कमिटमेंट यही है कि जो मेरी कमियां हैं उसको मैं दूर करूँगा, उनको मैं जो भी मेरी अच्छाइयाँ हैं उनको अनाउंस करूँगा, और कमजोर जो मेरी डेफिशिएंसीज हैं उनको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, और उन कमियों को अच्छाई की तरफ लेके जाऊँगा। ठीक है, बढ़िया। तो सर जो है इस कंटेंट को प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, ये मुझे लगता है काफ़ी बड़ी बात है। और सर परसेप्शन से अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाने का जो विजडम सर देख पा रहे हैं, तो ये रैली में काफ़ी हेल्पफुल हम सब के लिए। थैंक यू सर। रीना शर्मा जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम रीना शर्मा है, जैसे कि आप बहुत से लोग जानते हैं, और मैं हिंदी अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सबसे बड़ी बात इस कार्यशाला के बारे में ये कहना चाहूँगी कि मैं इसके कंटेंट से कहीं भी डिसएग्री नहीं थी, या इस पे जो बताया गया, कहा गया, कोई भी संशय मेरे मस्तिष्क में नहीं आया कि इसमें जो बात कही जा रही है उस पर कोई सवाल उठाया जा सकता है। तो और कहीं ना कहीं मैं ये अनुभव करती हूँ कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने अपनी, जो हमारी प्राकृतिक जीवन शैली थी, जो हमारी पारिवारिक गांव की ग्रामीण शैली थी, उसमें बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा हुआ था, छोटी छोटी कहावतों के माध्यम से, छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से। जैसे अक्सर हमने बड़ों को कहते हुए सुना था, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब खास सामान, इस तरह की बातें, अल्प में अपना निर्वाह करने की बातें, और अक्सर जो कहा जाता है समाज में कि दूसरे के स्थान पर खुद को रख के देखिए, वो जो आप हारमनी वाली बात होती है, वही जो इसका निचोड़ था। बहुत पहले से हमारी जीवन शैली जो थी, अगर वास्तविक हमारी भारतीय जीवन शैली थी, तो उसमें छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से, छोटे छोटे कथानकों के माध्यम से एक जो असली मनुष्य, वास्तविक मनुष्य होना सिखाया जाता था। जो पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी, मतलब पिछले कुछ वर्ष ही नहीं हम कह सकते, 1500 सालों में जो बिल्कुल एक मानवता मानव में रहने के लिए रही ही नहीं, वह एक मतलब चिंतनीय विषय था। और पहले भी मैं इस वर्कशॉप से जुड़ी रही, और तब भी मैंने कहा था कि हमें सबसे पहले शिक्षा का मकसद आपका फिल भी पाल में, आपका सब कुछ पाल में है, सबसे पहले तो वैल्यू ही है। और इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि हम छोटा ताला बनाया, वो टूट जाता है, और मोटा बनाया, फिर और विकसित किया हमने, उसका रिमोट वाला ताला बनाया, उससे बाहर ताला बनाया, तो हम विकास करते रहे, और मनुष्य ही ताला बनाने वाला है, और मनुष्य ही उस ताले को तोड़ देने वाला है। तो कहाँ जाकर आप रुकेंगे, जहाँ भी उसकी जितनी भी आप टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, दूसरे का दिमाग उससे भी टेंशन निकाल लेंगे। तो क्यों ना हम पहले ये सिखाएं कि चोरी ही ना की जाए, हमें ताले की जरूरत ही ना पड़े। तो मैं समझती हूँ कि शिक्षा का प्रथम, आप कह रहे कि कितना रेलिवेंट है, मैं तो कह रही हूँ शिक्षा ही यही है प्रथम, तो और सब कुछ उसके बाद। पहले आप एक इंसान और मानव बनते हैं, तो शिक्षा ये तो सबसे जरूरी है, उसके बाद आप स्किल्स क्या ये, उसके बाद आप प्रोफेशनल सिखाइए, उसके बाद आप क्या नाम है विज्ञान सिखाइए, कुछ भी सिखाइए, लेकिन प्रथम जो शिक्षा का अर्थ है वह यह है ह्यूमन वैल्यूज। और जैसा कि आप लोगों ने कहा कॉलेज और स्कूल में जाने से, ये तो मेरा सपना है शुरू से, मतलब कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से,
की ओर शिक्षा होना हो, ये किसी तरह सुनियोजित, और अक्सर मैं अपने साथ वाले लोगों में भी बैठ के इस तरह से बातें करती हूँ तो सबको लगता है कि मैं थोड़ा सा समाज को मैच नहीं करती हूँ या मतलब उस तरह की नहीं है। तो मुझे इस वर्कशॉप से एक सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि जो हम अपने अंदर पाते हैं जो चीजें, वो वास्तव में मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। और कभी कभी मैं ये नहीं कहती कि हमें भी वो भावनाएं आती है, हमें लगता है कि हमारे हमने जीना सही नहीं सीखा है। तो जैसा कि सर ने भी कहा कि जब इस तरह की कार्यशाला होती है तो कॉलेज के बच्चे जो उस आधुनिक जीवन शैली के साथ नहीं जीना चाहते हैं और उनका जो आत्मविश्वास टूटता है, तो वो वाली बात है कि मेरा आत्मविश्वास बड़ा है इस कार्यालय से जाकर के, जो मैं सोचती हूँ वही आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है और वही सही है। तो ये और मेरा कमिटमेंट यही है कि मैं अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे और मिली हमें कमिटमेंट चाहिए कि आप इस प्रोग्राम से पूरी तरह से जुड़े और अगली वर्कशॉप भी करें और कल को आप भी यहाँ पे हमको पढ़ाएं, हमें आपसे ये कमिटमेंट चाहिए। मेरी मैंने जैसे कही तो मेरा सपना है, मतलब मैंने जो सोचा था कि इस तरह से होना चाहिए और जो भी आपकी संस्था है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सपना पूरा करे तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। नीतू मैडम का बहुत बड़ा आभार होगा ये स्थिति का अगर मैं इससे जुड़ पाती हूँ। तो मैम का सपना है, हम सबका भी सपना है और इसमें नीतू मैम बहुत अच्छी भागीदारी करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग अखिलेश जी से ले सकते हैं शेयरिंग। अखिलेश कुमार सिंह जी जी। मैं अखिलेश कुमार सिंह, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर फाइनेंस। सर मुझे तो इस वर्कशॉप से पहली जो सबसे अच्छी बात लगी कि आप लोगों ने डिफरेंस बिटवीन आई एंड सेल्फ में, बॉडी में, सॉरी सेल्फ एंड बॉडी में समझाया, वो अच्छी लगी। और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है वो अभी हमें आप फ्यूचर में क्या करना है, कुछ भी करना है उसमें यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस देखना ही देखना है। कुछ भी करें हम तो उसमें एक्सेप्टेंस होना, नेचुरल एक्सेप्टेंस वो होना चाहिए। और हम लोग अब तक तो ये सुनते आए कि आवश्यकताएं असीमित हैं, लेकिन आप लोगों ने समझा दिया कि सीमित हैं, वो उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, फ्यूचर में मैं कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। ठीक है, तो सर का ध्यान फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी और ह्यूमन बीइंग पर काफ़ी अच्छे से गया है, उसी के लिए सर कमिटेड भी हैं। थैंक यू सर। मधु मैम। नमस्ते सभी को, मेरा नाम मधु है, मैं मादर्शक सेल से हूँ। सर ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम ऐसी वर्कशॉप है, जो 3 दिन पहले मैं थी और 3 दिन के बाद जो मैं देख रही हूँ अपने में चेंजेस बहुत कुछ हुए हैं। सर मैंने कभी पहले ऐसी वर्कशॉप नहीं किया है, फर्स्ट टाइम। शेयर कर सकती हूँ कुछ चेंजेस, शेयर भी कर सकती हूँ। सर जैसे सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद रिलेशन, उसके बाद सुविधा। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए अपने प्रति और सामने वाले के प्रति, तभी हमारा रिलेशन अच्छा होगा। सुविधा तो हम सर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ज़्यादा या कम। उसके बाद सर सेल्फ और सेल्फ और बॉडी में हमने कंपेयर किया कि हमें किसकी ज़रूरत है, हमें खुद को समझने की ज़रूरत है, बॉडी तो हमारे साथ है। थर्ड सर ये ट्रस्ट और लव, ये होना भी ज़रूरी है ताकि सामने वाले से हम पॉजिटिवली बात कर सकें, अपना हाइपरनेस ना दिखाए उन्हें कि हम इतने ओवर कॉन्फिडेंस है कि तुम पे थोप रहे हैं। नहीं, हमें सोच समझ के सामने वाले को अपना रिस्पॉन्स देना चाहिए, पहले खुद पे लागू करना चाहिए फिर उन्हें बताना चाहिए। ठीक है सर, ये सर ये जो चेंजेस हुए हैं मैं अपनी लाइफ में रेगुलर ट्राई करूंगी चेंज होने के लिए। थैंक यू सर। पूरे ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे ही मैं अंदर ध्यान दे रहे। ठीक है, तो संजय झा जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मधु मैम। सर्वप्रथम सबको सादर नमस्कार। Should I go for brief introduction because you have written there, or may I skip that? My name is Sanjay Jha and currently I'm working in Amity University as Director of Liberal Arts. Well, moving to the next clause, that is your personal achievement. Well, if I say my personal achievement, I'll say that
मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि इस 3 दिन में आप सबके साथ संबंध है, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर संभव जी ने कहा था कि यू शुड हैव राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप एंड योर नीड्स, तो परसों तक मैं अपने आप को थोड़ा आई वॉज फीलिंग लिटल यू नो आउट ऑफ द प्लेस, थोड़ा असहज महसूस कर रहा था आप लोगों के साथ, लेकिन आज मैं बहुत ही सहज महसूस कर रहा हूँ। आई फील लाइक आई एम वन ऑफ यू, एंड पता नहीं ईश्वर ने चाहा तो ये संबंध आगे भी जरूर बना रहेगा, और आप जैसा कि मैंने सुबह ही कहा कि आप सब सादर आमंत्रित हैं, इस प्रकार के आयोजन हम लोग भी किया करते हैं एमिटी में, तो ये मेरी पहली उपलब्धि है। जहाँ तक दूसरी उपलब्धि की बात मैं करूँ, कई उपलब्धियाँ हैं लेकिन बस एक दो मैं कहना चाहूँगा। दूसरी उपलब्धि जो आपने कहा कि वी शुड नॉट बी यू नो गाइडेड और ड्रिवन और कंट्रोल्ड बाय यू नो एक्सटर्नल एजेंसीज, ओके, बाय एक्सटर्नल एजेंसीज मीन्स योर प्री कंडीशनिंग, या जैसे आप सेंसेशन भी कह रहे थे, सो वी शुड नॉट बी गाइडेड बाय दोज थिंग्स, रादर आवर डिसीजंस शुड बी ड्रिवन और कंट्रोल्ड बाय आप बताइए नेचुरल एक्सेप्टेंस, एम आई राइट? तो नेचुरल एक्सेप्टेंस से ही आप कोई डिसीजन लें, दैट वॉज द क्रक्स। तो ये भी मैंने सीखा। देन थर्डली, जैसा कि डॉक्टर संभव ने कहा था कि द अदर इज सिमिलर टू मी, ये भाव भी रहना बहुत जरूरी है, द अदर इज सिमिलर टू मी, जिसे आप एम्पथी कहते हैं इंग्लिश में, या आत्मीयता हिंदी में जिसे कहते हैं। अब रही बात पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटी, आपका थर्ड पॉइंट है। यू सी इन दिस कंटेंट, डेफिनेटली दिस कंटेंट हैज इमेंस पोटेंशियल यू नो टू बी I mean applied in different walks of life as well as academia, or as far as my commitment is concerned, no doubt I'm making my full commitment to be part of this program now and forever, and I'll try my best to integrate this modules of UHV in our curriculum also. Already we are following, you know, several other, I mean, modules, but I found, you know, these contents are really meaningful, you know, and they must be incorporated in our curriculum. So these are few things, and rest we will talk in due course of time, you know. So thank you very much. तो सर का ध्यान अपनी imagination, natural acceptance और उसका expansion इस पर गया। Thank you sir. गिरीश जी से मैं request करूँगा। गिरीश जी आशीष जी को दे सकते हैं हम लोग, वो मेरे पास लिस्ट चली गई। सभी को नमस्कार, मनोज सिंह नाम है मेरा और ई गवर्नेंस सेल में असिस्टेंट डायरेक्टर पद पे हूँ। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम एसडीसी सेल ने करवाया, तो नीतु मैडम को धन्यवाद, अस्थाना सर को धन्यवाद, संभव सर के कारण ये प्रोग्राम संभव हो पाया, उनको भी धन्यवाद। एक कवि की बात करें तो पर्सनल रिलेशन को सुधारने के लिए मैं यहाँ से कुछ ले जा पा रहा हूँ कि हमें सामने वाले की एक्शन पे एक प्रॉपर इवेल्युएट कैसे करना है, और जो हमारा इवेल्युएशन प्रोसेस था उसको उसके साथ शेयर भी करना है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको और अच्छा इवेल्युएट कर पाएँ, और वो जो हमारा इवेल्युएशन था वो किस लेवल का था और वो सही हो, वो हमें आउटपुट उससे मिल जाए। तो प्रॉपर इवेल्युएशन और शेयरिंग, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है, ये टेक अवे लिया जा सकता है। कमिटमेंट, मैं कोशिश करूँगा कि मैं एटलीस्ट एक बंदे को और कुछ जो मैंने यहाँ से लिया है वो सिखा पाऊँ। That is all from my side. Thank you. ठीक है सर का ध्यान सम्मान के भाव पे काफी गया है। Next. Good evening to all.
मेरा नाम आशीष तोमर है, मैं आईटी कंसल्टेंट हूँ अटल एकेडमी सेल से। मेरे पर्सनल अचीवमेंट्स जो 3 की प्रपोजल्स हैं, एक है ह्यूमन बीइंग वैल्यू और फैमिली, और तीसरा है को एग्जिस्टेंस विद नेचर। तो सबसे पहले मैं अपने आप में जो सुधार करना चाहूँगा कि अपनी इवेल्यूएशन सही मान और सही रिस्पेक्ट में कर सकूँ, ताकि सामने वाले को भी कभी कमियाँ ज़्यादा ना समझूँ। दूसरा, ये होने के बाद फिर फैमिली पे ध्यान दे सकूँ, कीप बीइंग अ गुड लिसनर, एंड साथ के साथ नेचर के साथ को एग्जिस्टेंस करना बहुत ही ज़रूरी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। एंड माय इम्पोर्टेंट, जैसे कि सर ने टाइमलाइन दिया था कि 10 साल में, तो इस चीज़ को मैं 10 साल का ही लेके चल रहा हूँ कि इसको मैं पूरा कॉम्पिटेंस 10 साल में अचीव कर सकूँ अपने आप को, क्योंकि सबसे पहले हम मैं से शुरू होएगा, फिर बाद में फैमिली से, फिर सोसाइटी, फिर नेचर। थैंक यू। अगली बार आप 1 साल लिखिएगा स्लाइड में। बढ़िया, ठीक है। मैंने मॉर्निंग में अपने बारे में काफ़ी बताया था, थोड़ा सा मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी। मेरा नाम चरणजीत राठरा है। मैं सिर्फ ये करूँगी कि जैसे कई बार हम लोग सुविधाओं के नाम पे बहुत कूड़ा ही इकट्ठा कर लेते हैं घरों में भी। जैसे मैं अपने सिस्टर को देखती हूँ, उसको शॉपिंग का एकदम जैसे भूत कहते हैं ना सवार है, बहुत वैसा ही है। वो अपने लिए तो लेके आती है, मेरे लिए भी इतना सारा लेके आ जाती है जिसको मेरे पास रखने की जगह नहीं होती। तो मैं उसको एक वर्कशॉप में तो ज़रूर लेके आऊँगी कि तू ये पागल है, ये देती रहती है, मतलब काम वाली को भी कितना दूं क्या दूं। तो उसको मैं जरूर इस वर्कशॉप में लेके आऊंगी कि भाई ये देख लेना आप तुम, और वो अपने बच्चों को भी लेकर आएगी क्योंकि उसके बच्चे भी थोड़े से। तो ये तो मेरा कमिटमेंट है कि मैं खुद भी कोशिश करूंगी। एक जैसा आपने बताया कि स्पेस के साथ हमारा जो अटैचमेंट है वो पार्षद हमारा हम लोगों का रह गया है, मैं उसे और एक्सप्लोर करने के लिए कि आप लोगों का क्या व्यू है, मैं वो वर्कशॉप भी 8 दिन वाला आपका ज़रूर अटेंड करूंगी। नीतू मैडम का धन्यवाद, मैं दोबारा से कभी ज़रूर अटेंड करेंगे वर्कशॉप। और सर का बहुत सारे फोकस है, मैं देखती हूँ कहीं भी पॉइंट छोड़ते नहीं है, हम जो भी क्वेश्चन बोलते हैं दोबारा से उसी पॉइंट पे लेके आ जाते हैं। मतलब ये मुझे इनसे कम्युनिकेशन स्किल भी मुझे इनसे सीखना है, ये मुझे इनका बहुत अच्छा लगा। सर ये पर्सनली आपसे सीखूंगी, ये आपको मुझे सिखाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे अंदर ये इतनी कमी है ना, मेरा अटैचमेंट यहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन सिर्फ 4-5 लोगों से ही होता है, मैं ज़्यादा बोलती हूँ यहाँ पे किसी से भी। तो मुझे ये कम्युनिकेशन स्किल आपसे मुझे ज़रूर सीखना है सर, आपको सिखाना ही पड़ेगा ये मुझे। बहुत थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अटैच टीम के साथ जुड़े हैं सभी का बहुत धन्यवाद, नीतू मैडम का भी स्पेशली धन्यवाद। मैम अपनी कॉम्प्लीमेंटरिटी देख पा रही हैं सबके साथ, बहुत अच्छी बात है। सबको मेरा नमस्कार, मैं डालचंद सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रशासन विभाग की। सबसे पहले तो मैं नीतू मैम का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा नाम फर्स्ट टाइम के वर्कशॉप में नॉमिनेट किया गया, क्योंकि मेरे से पहले हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर रविंद्र पाल जी का नाम था, मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे को वर्कशॉप अटेंड करनी है। तो रविंद्र पाल जी किसी कारणवश वो अटेंड नहीं कर पाए, और मैं मैम जो डायरेक्टर प्रशासन है हमारी मनुष्य मैम, उसका धन्यवाद करूँ, उन्होंने कहा कि आपको वर्कशॉप अटेंड करनी है। तो ये मेरी फर्स्ट वर्कशॉप है और मैंने 3 दिन में मैंने बहुत कुछ सीखा, अपनी लाइफ का भी सीखा, मैंने अपने आप को भी कंपेयर करा कि भी पहले मैं क्या था अब क्या हूँ। मैंने मेरे घर पर मेरे अपनी बिटिया को भी समझाया कि भी मैं 3 दिन मेरी वर्कशॉप चल रही है, इसके अंदर ये हमारा उसमें बताया जा रहा है, ये चीज़ सिखाई जा रही है। तो बहुत कुछ मैंने यहाँ से अपनी लाइफ में भी सीखा और बच्चों को भी बताया। एक्चुअली में मेरी बड़ी वाली बिटिया जो है कि वो PhD कर रही है माइक्रोबायोलॉजी से, उसका फाइनल चल रहा है, उसका थीसिस वगैरह लिखेगी, वो थोड़ा सा स्ट्रेस में रहती है, कहते पापा मैंने उसको थीसिस भी जमा कर दी, मेरे गाइड मेरे अभी तक कर नहीं रही है। तो मैं उसको यही समझाता हूँ, बेटा आप थोड़ा संयम से रहो, वो अपने सही टाइम पे सही घर का आपको देगी, आपका जो भी होगा अच्छा होगा, अपना खुश रहने की कोशिश करा करो, आप स्ट्रेस मत लिया करो। तो मैंने बहुत कुछ यहाँ सीखा, मैं आगे भी अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूँ। दूसरा सर ऐसा है कि मैं अपना जो मेरे पास विभाग है, मेरा पर्सनल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरे साथ पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं। तो मैं पहले थोड़ा हाइपर हो जाता था किसी चीज़ के लेकर, मगर मैं 3 दिन में मैंने अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश की। मेरे में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आगे अपने भी बताना चाहूँगा, आगे जो मेरे से डीलिंग में होगा उसको भी मैं कहूँगा कि भी अपना थोड़ा संयम से सम्मान से अपना उसको। मेरा कमिटमेंट है कि मेरा जो भी आगे होगा मेरे स्टाफ के अंदर जो भी है, मैं उनको अपना इसके बारे में वर्कशॉप के बारे में जरूर बताऊँगा। थैंक यू सर।
एचआर का ध्यान गाइडेंस की फीलिंग पर काफ़ी गया है। ठीक, नमस्कार सभी को, मेरा नाम निशा है, मैं लीगल सेल में एज ए डीओ वर्क करती हूँ। एक्चुअली मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि मैंने इस वर्कशॉप से जो अचीव किया है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अभी कल मैं अपने फैमिली में डिस्कस कर रही थी तो मैंने मेरे जो अभी फैमिली में लोग हैं वो हमेशा प्रेशराइज करते थे कि आजकल का ज़माना ऐसा है कि बस दूसरों को करो, फूड चेन का वो मुझे उदाहरण देते थे हमेशा, जो फिटेस्ट है वही आगे बढ़ेगा, तो तुम भी उस चीज़ को फॉलो करो, तुम पता नहीं कौन से ख्यालों में रहती हो ऐसे करके। तो मैं भी उनके दबाव में आके चेंज हो रही थी कि हाँ यही आजकल का टाइम है, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन जब ये वर्कशॉप में मैं आई तो मैंने उनको फूड चेन का कल एग्जाम्पल जो दिया, जो सर ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग दिया कि अगर उस रूम में आपके पेरेंट्स हो तो वो भी फिर चुप हो गए। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ मैं कहीं ना कहीं इनको इन्फ्लुएंस कर पाई, अदरवाइज यही हमेशा मुझे करते थे। तो एक तो मैंने ये अचीव किया और सर जो भी मैंने यहाँ से टेक अवेज या जो भी कीज ली है वो मैंने पहले भी शेयर की, राइट अंडरस्टैंडिंग ये सब चीज़ें। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी सर कि ना जो रिलेशन हमने सीखा कि फैमिली में हमारी मीटिंग्स होनी चाहिए वो एक बहुत अच्छी बात मैंने यहाँ से सीखी है, क्योंकि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही लेकिन आस्था के नाम पर आजकल बहुत वर्कशॉप्स होती हैं, 5-5 दिन की, 10-10 दिन की, सब उसमें जा रहे हैं, अपनी फैमिली को ही वो अच्छा करना चाहते हैं और उस वर्कशॉप में जा रहे हैं जो भी सत्संग वगैरह है। तो लेकिन मैंने यहाँ से ये सीखा है कि बेटर है कि आप अपनी फैमिली में ही वो सत्संग और वो मीटिंग कर लें तो आपकी फैमिली और अच्छी हो जाएगी, वहाँ जाने से ज़्यादा बेटर है कि आप अपनी फैमिली में करें। और सिर्फ पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी और कमिटमेंट मेरा ये रहेगा कि मैं कहीं ना कहीं चेंज हो रही थी, अब मैं चेंज नहीं होगी, मैं जैसी थी मैं बेटर थी, मेरा अब वही कमिटमेंट रहेगा कि मेरा वही फेथ ठीक था। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैम रिसोर्स पर्सन बनने की तैयारी कर रही हैं। ठीक है जी। डॉक्टर टीसी शर्मा, कंसल्टेंट आईपीसी। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो कंटेंट है काफ़ी दिन से हम जो है इसको लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, आगे भेज रहे थे, नोटिंग बना रहे थे, अप्रूवल ले रहे थे, लेकिन कुछ कंटेंट मैंने जो पब्लिश किए थे वो ये आदित्य और देवेश के उनसे शेयर करीब इनकी ये जो है कंटेंट अगर स्टूडेंट्स में पहुंचते हैं तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन स्टूडेंट्स के बारे में ये हमारा ख्याल था कि स्टूडेंट्स टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में इन कंटेंट पर बच्चे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जब यह आया कि ये कोर्स करिकुलम में जा रहा है तब मेरे को उसकी पोटेंशियलिटी उसको मेजर करी, वो उसमें मतलब कि इससे काफ़ी चेंज होने वाला है आज का स्टूडेंट कैटेगरी जो है। तो पोटेंशियलिटी में, कोर्स कंटेंट में, मटेरियल में चैलेंजेबल है, तो इसका कोई दो राय नहीं। रहा कमिटमेंट का, तो मैं अभी इन दिनों में थोड़ा हम व्यस्त थे तो हम एक मकान बना रहे थे तो मन की अब इसमें ये भी कर लिया जाए, ये भी कर लिया जाए, वो भी कर लिया जाए, इसको थोड़ा बाकी ऐसा कर लिया जाए। फिर मैंने सभी को बैठा के कहा कि मन की देखो अपन 3-4 मेंबर है, अपनी सोच लो अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से आगे काम करो, अदरवाइज इसकी कोई सीमा नहीं। तो उनको बड़ा जस्टिफाइबल लगा और उसी हिसाब से जो हम सोच रहे थे उस हिसाब से उसको कंटिन्यू करवाया, तो ये काफ़ी अच्छा है। रहा आपस में जो रहता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, वो क्या सोच रहा है, चाहे छोटी फैमिली हो चाहे बड़ी फैमिली हो, ये एक्चुअली ये होता है सोचना क्या सोच रहा है, कम्युनिकेशन गैप। जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो संवाद जो आपके इसमें आया वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बैठिए और संवाद करिए, प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस तरह की चीज़ें ये काफ़ी मेरे को, मैं इसे कहता था ये कानपुर, दोनों कानपुर जा रहे हैं 8 डेज की 5 डेज की वर्कशॉप के लिए, मैंने कहा यार ये काफ़ी तारीफ करते थे कि उसमें ऐसा होता है ऐसा होता है, सुबह से लेके शाम तक पढ़ाई, अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, 24 आवर्स हम एक साथ में रहते हैं। तो मैंने कि एक मेरी इच्छा हो रही है कि इसको अटेंड किया जाए, आपकी 5 डेज या 8 डेज की जो वर्कशॉप होती है। मैं अंदर से मेरी ये चल रहा था, अब ये आ गया तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि शॉर्ट पीरियड है और उसमें अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स रही,
लेकिन बहुत ही ट्रेमेंडस इसमें स्वयं के लिए बदलाव के लिए सोचने का अवसर प्रदान करती है ये वर्कशॉप, और फिर जो है दूसरों को समझने का भी। धन्यवाद। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुनील लोथरा, मैं एज ए डायरेक्टर इनाटल सेल। मैंने यहाँ पे वर्कशॉप में जो सीखा मेनली, अभी उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। अभी तक वो मन में गहन विचार चल रहे थे बहुत सारे। मेरे को डायरेक्टर हैं दिनेश सर, कल शाम को मैंने दो बार उनको फ़ोन किया, एटलीस्ट मैंने वॉक तो शुरू कर दी दो दिन। मैंने फ़ोन किया कि क्या ये हम बॉडी के लिए कर रहे हैं या सेल्फ की जरूरत। तो मन में विचार चल रहा है, बट डेफिनेटली जो रिलेशंस वाला चैप्टर था मेनली, और मैं और शरीर, वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। अब कैसे हम उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक यू सो मच। बढ़िया, सर का विचारों में अवेयरनेस है ना गया ध्यान पे। जी नमस्कार। सो डॉक्टर विनोद कुमार, associated with the MIT University and serving in the capacity of assistant professor in the Department of Humanities or School of Liberal Arts. So first of all, that I have learnt any lot that before attending this workshop, I had realized any kind of certain gaps, ifs and buts. So now because like being in the temple of knowledge, so I would like to implement or execute certain things in the interest of the students also. And my main achievement is this was Kumar Sambhav, I mean to say, he mentioned or narrated in his ongoing workshop that is Jad or Chetan. Usme bas maine keval yahi sikha ki one who is totally unaware from, you know, the maya, oneself, and mean to say God, jo apne ko aur maya ko aur uske swaroop ko nahi janta, to wo to hai jeev. और जो इन तीनों चीज़ों को यानी जो जानता है, एंड वन हु रिवार्ड्स यू नो दिन बॉन्डेज एंड दिन लिबरेशन अकॉर्डिंग टू दिन एक्शंस, वो है द एब्सोल्यूट और यानी मीन जो से द एनलाइटनमेंट, वो है यानी भगवान है। सो दिस इज माय यानी मेन अचीवमेंट आल्सो, एंड बिसाइड्स इट आई विल डू माय लेवल बेस्ट जस्ट टू मीन टू से इम्प्रूव माई सेल्फ एंड विल आल्सो सेट अप ए काइंड ऑफ हेल्दी एंड हारमोनियस रिलेशनशिप एंड इन द सोसाइटी and in the nation's at large. Thank you. Thank you sir. Sir ka dhyan absolute reality pe gaya hai. Thank you ji. Idhar se dekhte hain, this side sir, this side, matlab aapka bacha hua hai. Ha sir ka bhi hai. Okay, idhar this sabse last hai. Party udhar lecture mein wo hai to conflict hota hai frequency. मेरा नाम तिलक धारी सिंह है। सर इस प्रोग्राम में तिलक धारी, बेसिकली मैं राइट अंडरस्टैंडिंग पहले समझना चाहूँगा, जो मैंने मतलब कोई कुछ कह रहा है उसको पहले समझो फिर जवाब दो, और दूसरी ऑप्शन है कि मैं माई सेल्फ मीन्स सेल्फ ये मैंने समझा इन रिलेशन, लेकिन जो फिजिकल फैसिलिटी है मैंने पहले से मतलब पास्ट से अभी तक मैंने सोचा ही नहीं। सुविधा जो अभी मेरा वो मतलब अर्निंग है उसी बेस पे मैं चलता हूँ, ये नहीं है कि मैं जो अर्निंग कर रहा हूँ उसे ज़्यादा मैं सोच लूँ, तो मैं फ्यूचर में भी इसी तरीके से चलता रहूँगा कि मतलब जितना अर्निंग उसे ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए। बढ़िया सर।